तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था तो ये तेल गांव में, तो आश्रम पद्धति में ये क्वेश्चन आया था। ये सारे टीचिंग एग्जाम के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया? तो ये होगा आपका अरेस्काइन पेरी। अरेस्काइन पेरी। निम्नलिखित विश्वविद्यालय में जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई, तो इसका आंसर होगा आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका डी, सैडलर विश्वविद्यालय कमीशन 1858, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा से सुधार से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों हंटर आयोग था, रैली आयोग था, सेडलर आयोग था, स्ट्रेची आयोग नहीं था। ठीक है, रैली आयोग शिक्षा से संबंधित है। ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1847 ईस्वी में रुड़की में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई? तो ये वुड के डिस्पैच के कारण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये दोस्तों ये आपका होमवर्क है, 260 नंबर का क्वेश्चन है, और आपको ये सूची ए से सूची बी को सम्मिलित करना है। इसका ऑप्शन अभी यहाँ मेंशन नहीं है, फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सैडलर कमीशन का होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सैडलर कमीशन लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन, हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन, और रैले कमीशन लॉर्ड कर्जन, रैले कमीशन होगा लॉर्ड कर्जन, और वुड डिस्पैच आपका होगा लॉर्ड डलहौजी। तो वुड डिस्पैच आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी।